दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली को 50 करोड़ रुपए और एक चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी कार तोहफे में दी। इससे पहले आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया टेस्ट सीरीज अपने नाम करना चाहेगी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 255 रन पर 4 विकेट था। उस्मान ख्वाजा 104 रन बनाकर खेल रहे हैं और कैमरन ग्रीन 50 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। इन दोनों के बीच 85 रनों की साझेदारी हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच में मजबूत स्थिति में है। मुकाबले के दूसरे दिन ये दोनों बड़े साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को और बेहतर स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आज पीएम मोदी विराट कोहली से मिले तब उन्हें विराट कोहली को बोला कि आप भारत के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कप्तान रहे हैं और आपने भारत को 5 साल तक वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बना के रखा है, इसीलिए मैं BCCI को बोलूंगा कि आपको 50 करोड़ रुपए तोहफे में दे।